वेलकम बैक न्यू गौशाला वीडियो। ये देखो आया हूँ गौशाला में देखने। प्लीज़ आप सभी से एक रिस्पेक्ट है कि फुल वॉच करे वीडियो को मेरी को, वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट करा दो भाई प्लीज़ यार। ये देखो इधर चारा पड़ा है, इसे लेकर आए थे हम कल ठा के। कहाँ से लेकर आए थे? हापुड़ से लेकर आए थे इसे ठा के, जहाँ दूध प्लांट है उसके पास से। प्लीज़ फुल वॉच करना वीडियो को। ये हो चुकी है हमारी गौशाला में एंट्री, देखते हैं क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, मतलब कि क्या कंडीशन है। कुत्ते इधर से भागते हैं पता चल चुके हैं मुझे इधर से। और ये रहे देखो पंजे, ये छपरे कुत्ते के पंजे, देखते हैं कोई से कहाँ है। तो परेशान नहीं कर रखी इन्होंने, कर तो नहीं रखी होगी, गेट भी बंद हो घर का। देखते हैं इधर से, कौवे देखो कितने सारे बिना कराए हैं। ये सभी गाय इधर तो ठीक है। देखो कैमरा व्यू ठंडों में बढ़िया आता है कैमरा, सुनो देखो। मैंने भी जर्सी पहन रखी है, सर्दी लग रही है। अब कुछ दिनों बाद यहाँ पे वे लगेगा, क्या कहते हैं, पल वल बांध देंगे, आपको दिखाएंगे सभी। भी ठंड पड़ने लगी है, गायें कमजोर हो जाएंगी ठंड की वजह से बहुत। सभी गाय ठीक है वैसे तो अभी। ये देखो कल आई है ये गाय, बिजार है या गाय है कमेंट में बताना। ये गाय है पर देखो कैसा कैसी लग रही है, बिजार की तरह लग रही है। कल हो ये इसकी एंट्री। इधर भी आज सफाई कल बाहर की कर दी थी, सफाई दिखा नहीं पाया मैंने यार, काटने में व्यस्त था। ये बच्चा मरने को हो गई थी, अब ठीक है बेचारी। कीड़े पड़ गए थे उसके पैर में। इधर की भी कंडीशन, इधर तो कई महीने, कई बीस बीस एक डेढ़ महीने सफाई हो ही नहीं इधर तो, क्योंकि इधर रहता नहीं है ज्यादा गोबर, अंदर इसमें रहता है और बाहर रहता है भाई। नहीं कैसा डर, हट हट हट, हट। लड़ाई कर रहे हो? देख लिए हमने सभी गायें ठीक हैं। कुत्ते बस खाना खाने आए होंगे, क्योंकि अंदर रोटी उतरी पड़ी है ना, उन्हें खाने आए होंगे। इसे बढ़ने की जगह तो है नहीं खैर, फिर भी बढ़ जाते हैं। चलो फटा मुंह दिखा, तू भी दिखा, नो लाइक करे सब्सक्राइब करे। हटे हटो हटो, हमारी गौशाला की सबसे अच्छी गाय है सभी, कोई सी टक्कर नहीं मारती है। ये देखो लाइक करने के लिए बोल रही है, लाइक कर देना। देखो कौन हिला रही है जी, ये गाय है ये टक्कर मारती थोड़ी, जब नहीं मारती पर। तू भी बोल हाय, देखो ये बोल रही हाय। ये क्या करना है इसके, देखो इसके रस्सी का निशान है, ये भग गई थी ये गाय, इसे कोई पकड़ के लेकर आया था। है गौशाला की, जैसे गौशाला खुली जब इसे, ये कल मैंने आपको बोला था वीडियो में हम पूड़े लेने जाएंगे, ये पूड़ा लेकर आए हैं, मुंजी के पूड़े लेकर आए थे। ये सब कटेगा दो दिन में। ये देखो न्यार चारा कितना सारा पड़ा है, कुछ भी बोलो या मैं न्यार भी कह देता हूँ, चारा भी कह देता हूँ। ये देखो ये मशीन चलती है, अभी बेकार हो चुकी है, अभी भी सही है, उसमें मोटर लग तो चल जाएगी, पर स्पीड से चलती है। ये देखो मशीन वैसे अच्छी है पर ये चलती सही है, पर कुछ बेकार हो जाता है, हर एक चीज़ खोलनी पड़ती इसकी। कल बेल्ट चेंज करी थी इसका, ये वाला बोल्ट खोला पहले तो ये, और फिर ये खोला, एक और इधर भी है, एक ये खोला, ये जो है ये रहा एक, एक ये वाला खोला था, फिर इसमें ये हथौड़े से बजाया जब पीछे गुसर का था,
जब खोला फिर बेल्ट, ये वाली बेल्ट नहीं डाली हमने। अरे ये भी देखो इधर से, ये भी, ये सब ये खोला था मैंने, नहीं डाली थी ये भी मैंने। खोला पहले, ये खोल के देखो, इससे बैरिंग की वजह से फंसा पड़ा था, ये इससे नहीं निकल पाई बेल्ट। देखो इसमें नीचे मोटर है। आप कमेंट में बताना आपके पास ऐसी मशीन है या नहीं है। इधर ही रोटी पड़ी है, कल भी नहीं डल पाई पर आज डालेंगे। सामने भूसा है, प्लीज वीडियो को फुल वॉच करना। देखते फोकस करके फोन। देखो ये रोटी है, इधर भी पड़ी कुछ रोटी, कुछ इधर गिर दी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही है आपको वीडियो। ये गायों के लिए रोटी चोकर डाल दिया है, इसमें पानी चला रहे हैं, सभी गायें खाएंगी इसमें आके। देखो पानी भर दिया इसमें, जो चोकर कट्टे खोल लिए थे इसमें हमने। देखो रोटी जो 1 रुपये एक रोटी आती है ना, ये वाली रोटी है ये। सभी गायें लग चुके हैं खाने, इधर पानी भी चल रहा है, कैसी लग रही है रोटी। सभी गायें छिप जाएंगी, चारा भी कट रहा है। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें।